हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी वीडियोस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी सोया टिक्का घर में बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। साथ में हम बनाएंगे बहुत ही यमी सी पुदीने की मेयोनेज, जो कि टिक्के के टेस्ट को और भी मज़ेदार कर देगी। तो स्टार्ट करेंगे रेसिपी बनाना, टिक्का बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम देख लेंगे क्या क्या हमें चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ सब्जियां मैंने यहाँ पर कट करके रखी हैं इस तरह से, प्याज, शिमला मिर्च और थोड़ा सा टमेटो। टमेटो के सीड्स निकाल देंगे हम, यानी इसके बीज निकाल देंगे। आप इसकी जगह पर रेड और येलो बेल पेपर्स भी ले सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। और कुछ मैंने यहाँ पर लिए हैं सोया चंक्स, ये देखिए फ्रेंड्स, इनको मैंने पानी में बॉईल किया है हल्का सा नमक डालकर। नमक डालना इसमें बहुत ही ज़रूरी है बॉईल करते टाइम, नहीं तो जो हमारा टिक्का बनेगा वो बिल्कुल फीका फीका सा लगेगा। तो बिल्कुल 1/4 टीस्पून जितना इसमें हम नमक डालकर बॉईल कर लेंगे। पानी इसका सारा मैंने ड्रेन कर दिया। अब थोड़ी सी मैरिनेशन करेंगे इसकी हम। एक बाउल में हम 3 चम्मच दही ले लेंगे, 2 चम्मच यहाँ पर मैंने नींबू का रस डाला, 2 छोटे चम्मच ये ड्राई रोस्ट किया है मैंने बेसन को, बेसन ऐड कर देंगे, 1 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 7 ही कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें हम, जो कि इस तरह से हैं, ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 छोटा चम्मच मैंने लिया है। इससे टिक्के का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। बिल्कुल 1/4 टीस्पून जितनी, यानी 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने अजवाइन ली है, थोड़ा सा काला नमक लिया है। नमक की क्वांटिटी हम बहुत ध्यान से डालेंगे क्योंकि सोया चंक्स में भी हमने नमक डाला है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिया है धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना सफ़ेद नमक, और ये मैंने एक लिया है 1/2 छोटा चम्मच टिक्का मसाला। टिक्का मसाला अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें किचन किंग डाल सकते हैं, गरम मसाला भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस टाइम पे डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इनको अच्छे से। 1 बड़ा चम्मच सरसों ऑयल बहुत अच्छे से हम गरम कर लेंगे और मैरिनेशन में डालेंगे। अब इसमें हम सब वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे जो हमने कट करके रखी थी। और साथ ही ये सोया चंक्स भी डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इनको मैरिनेट कर दिया। अब ज़्यादा इसको लंबी मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं, 10 से 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट कर लेंगे और उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये 2 चम्मच मेरे पास पुदीने की चटनी है। फ्रेंड्स, ये वही पुदीने की चटनी है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था पुदीना मसाला बनाना। 2 चम्मच पुदीने के मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के रखा और इस तरह से वो चटनी बन जाती है हमारी इंस्टेंट। इसमें अब मैं डालूंगी 2 चम्मच मेयोनीज, सिंपल वाइट वाली मेयोनीज है ये, और साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दही, 2 चम्मच इसमें दही के डाल देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको थोड़ी सी स्पाइसी खानी है तो इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हैं और हल्का सा काला नमक ऐड कर लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया सी यमी सी, चाहे तो आप इसको मिंट मेयोनीज बोल सकते हैं, चाहे आप इसको चटनी बोलें, ये हम टिक्के के साथ सर्व करेंगे। 20 मिनट मैरिनेट किया मैंने। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास टूथपिक्स हैं, इसमें हम
इनको इस तरह से डाल लेंगे कि ये खाने में बहुत इजी रहें और सर्व करने में भी। ये एक अनियन डाला, एक शिमला मिर्च, एक ही सोया चंक डाला और एक डाल देंगे टमाटो का पीस। इसी तरह से सभी टूथपिक्स में हम ये रेडी कर लेंगे। ये देखिए नॉनस्टिक तवा है मेरे पास, इसी पे हम टिक्का बनाएंगे, बहुत इजीली बन जाएगा। ये देखिए टूथपिक्स मैंने लगा लिया और इस तरह से हम इनको रखते जाएंगे। थोड़ा सा बटर या ऑयल कुछ भी हम तवे के ऊपर लगा लेंगे। साइज चेंज करते रहेंगे बीच बीच में हम, ताकि ये हर तरफ से अच्छे से पक जाए, क्रिस्पी हो जाए थोड़ा। ये देखिए कितने अच्छे इसके ऊपर ये ग्रिल मार्क्स आ रहे हैं, ये कितनी क्रिस्पी हो रही है। फ्रेंड्स, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया स्नैक्स हैं। ना इनको हम ट्राई करते हैं और झट से बन जाते हैं ये हेल्दी स्टार्टर। अब मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ, टिक्का सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सूप स्पून लिए हैं, उसमें हम थोड़ी थोड़ी ये अपनी मेयोनीज, जो हमने मिंट मेयोनीज बनाई है वो डाल लेंगे और साथ में हम इसमें टिक्का बाइट रख देंगे। गर्मा गर्म टिक्का बाइट, देख सकते हैं कितना ये क्रिस्पी बना है। इंस्टेंट यमी हेल्दी, हमारी सोया बाइट्स बनकर बिल्कुल रेडी हैं। फ्रेंड्स, ये सोया टिक्का इतना यमी लगता है इस मेयोनीज के साथ, मिंट मेयोनीज के साथ। जरूर से ट्राई कीजिए, आप इस रेसिपी को बहुत ही पसंद आएगी। और कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको आज की ये डिफरेंट सी इजी सी हेल्दी यमी रेसिपी कैसी लगी। पसंद आने पर लाइक शेयर भी कीजिए और मेरी नेक्स्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।